हु इज इट? गुड मॉर्निंग मैम, मैं गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूँ। हम कोविड पेशेंट्स के लिए काम करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ कोई कोविड पेशेंट नहीं है। नहीं मैम, मैं अभी किसी कोविड पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आया हूँ, बट जैसे कि आप जानती हैं मैम, कोविड की वैक्सीन आ चुकी है हमारे देश में, तो हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। तो मैम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए प्लीज आप दरवाजा खोल देंगी? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। जी भैया बताइए। तो मैम बेसिकली आपके घर में कौन कौन है? मैम घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। तो मतलब आप दो लोग हैं, तो आप अपनी मम्मी को बुला देंगे एक बार प्लीज? वो अभी घर पे नहीं है। अच्छा तो आप अकेली हैं, तो एक काम करते हैं मैम, पहले आपको वैक्सीन लगा देते हैं, फिर कल आपकी मदर को वैक्सीन लगवा देंगे। वैक्सीन? लेकिन वैक्सीन पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी ना, फिर हमें लगेगी। दैट्स ट्रू मैम, वो तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है ना मैम, बट जैसे कि आपको पता है वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हम घर घर जाके लोगों के भी वैक्सीन लगा सके, क्योंकि मैम आपको पता है कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितने लोग हैं। अब हर कोई सेंटर आके वैक्सीन लगाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा मैम, आप सोचिए। आप वैक्सीन लगवाएंगी, आप मास्क फ्री घूम सकती हैं, और अभी वैक्सीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम। अच्छा लेकिन अभी मम्मी नहीं है ना घर में, तो आप कल आ जाओगे? मैम देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर आपने अभी रजिस्टर करवा के वैक्सीन नहीं लगवाया तो हो सकता है आपका नंबर फिर नेक्स्ट ईयर आए मैम, और आप जैसे जानती हैं मैम कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, स्पेशली ओल्ड एज वालों के लिए, तो अपनी मदर का सोचिए मैम। मैं इतना कर सकता हूँ मैम कि आप अपना और अपनी मदर का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आप खुद वैक्सीन लगवा लीजिए, और उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ कि कल आपकी मदर का वैक्सीनेशन करवा दूंगा, बस आप रजिस्टर करवा लीजिए मैम। ठीक है भैया, आप लगा लीजिए और मम्मी को भी लगवा दीजिएगा, है ना? तो मैम मैं अंदर आ जाऊँ मैम वैक्सीन लगाने के लिए? थैंक यू। आइए प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू मैम। तो मैम आप अपना पूरा नाम और आधार नंबर बता दीजिए प्लीज। मृगाक्षी पराशर। पराशर, और आपका आधार नंबर मैम? भैया आधार नंबर तो अभी है नहीं मेरे पास, मम्मी के पास रह गया कार्ड ना। ओके तो आपके पास स्कैन कॉपी तो होगी? हाँ। मैम एक काम करिए, आप अपना और अपनी मदर का स्कैन कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि आपकी मदर का भी रजिस्ट्रेशन करना है ना मैम, कल वैक्सीन लगवानी है उनको, तो तब तक मैं आपको वैक्सीन लगा देता हूँ, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हो गया मैम, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा है। अभी हो गया मैम, और देयर इज नो गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स घर आके कोविड 19 की वैक्सीन लगा रहे हैं, बिकॉज अभी तक ये वैक्सीन मासेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज कि वैक्सीन सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और ओल्ड एज लोग जो वल्नरेबल है डिजीजेस के, सिर्फ उन्हीं को अभी मिलेगी। एंड द न्यूज इज जब मासेस के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगा तो लोगों को कोविन ऐप, विच इज COWIN, कोविन ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आगे का प्रोसीजर क्या है। सो प्लीज रिमेंबर, अभी तक ये वैक्सीन मासेस के लिए अवेलेबल नहीं है, सो डोंट फॉल फॉर दिस स्कैम, बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। सी यू नेक्स्ट वीक।